नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज 21। देखिए, रक्षाबंधन ये पर्व भाई बहन के लिए ही अटूट रिश्ता माना जाता है। कहा जाता है कि बहन अपने भाई के लंबी उम्र और स्नेह की कामना करती है, वहीं भाई रक्षा करने के लिए सुख दुख में संकल्प लेते हैं। तो बात करेंगे, ये सदियों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने साड़ी अपने फाड़ कर भगवान कृष्ण की उंगली बांधी थी, जिसको लेके भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया था सुख दुख में संकट में उनकी रक्षा करने के लिए। तो खास तौर पर बात करेंगे रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त के लेके। अभी हमारे साथ आचार्य मिथिलेश पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त कब है और किस टाइम में बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। पंडित जी, क्या कुछ कहिएगा जी? हर हर महादेव। रक्षाबंधन का मुहूर्त, सबसे पहले तो पंडित जी आपसे जानेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं। रक्षाबंधन समझिए पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत के अनुसार राजा बलि, जब वामन अवतार में राजा बलि जो हैं वो भगवान वामन से तीन पग जमीन मांगे थे, राजा बलि से मांगे भगवान वामन, और वो दो पग में ही पूरा सृष्टि को नाप गए। तो तीसरा पग उनके सर पर रखे तो उनको रसातल का राजा बना, एक शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं, रसातल का राजा बना दिए। तो उस समय वो इतना बड़ा दानी थे राजा बलि, वो भगवान विष्णु को अपने भक्ति से प्रसन्न करके उनको अपने यहाँ रख लिए। तो रसातल में जब रहने लगे तो यहाँ नारद जी के द्वारा जब लक्ष्मी जी को पता चला तो बड़ा चिंतित हुए कि हमारे पतिदेव ही रसातल में चले गए हैं। तो उनको लाने के लिए वो राजा बलि को अपना भाई मानते हैं और वहाँ जा करके राजा बलि को रक्षा बांधते हैं और अपने पति को वहाँ से बंधन से छुड़ा कर लाते हैं। वो दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी, इसी दिन उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाता है। सर, ये जो रक्षाबंधन है तो ये बहन अपने भाई की कलाई में किस मुहूर्त में बांधे, शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है 19 को ही मनाया जा रहा है, 20 को ही मनाया जा रहा है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, 19 को पूर्णिमा है और पूर्णिमा में ये इस चीज को मनाया जाता है। इसमें भाई बहन को रक्षा बांधने में कोई विशेष मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो सुबह में 5:31 से लेकर के 9:07 तक राहु काल है, इसलिए इस बीच में भी नहीं बनाया जा सकता है, और 1:31 तक राहु काल है, ये भद्रा है जो कि भद्रा में राखी रक्षाबंधन जो बहन अपने भाई को कलाई में राखी नहीं बांध सकती है, वही मुहूर्त बता रहे हैं। भद्रा काल जो है 1:31 तक है, तो बहुत सारे ज्योतिष लोग का परामर्श है कि 1:31 के बाद से ही रक्षाबंधन प्रारंभ होगा और 9:07 रात तक मुहूर्त है। तो बहुत सारे ज्योतिष लोग का परामर्श है कि 1:31 के बाद से ही रक्षाबंधन प्रारंभ होगा और 9:07 रात तक मुहूर्त है इसका बांधने का, शुभ मुहूर्त है। इसमें क्या, अगर कोई संदेह हो कि अगर इसमें जो बहन है रक्षाबंधन होता है, कोई इसमें कोई बराव या किसी चीज के भी संदेश भी होता है कि ये चीज नहीं यूज करना, किस तरह की कलाई राखी का धागा यूज करें? देखिए, इसमें रेशम का धागा, विशेष रूप से कच्चा धागा का यूज किया जाता है और ये शब्द ही बहुत ही उपयोगी है, रक्षा फिर बंधन। वो जब एक बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है तो भाई उसकी रक्षा करने का जिम्मेवारी लेता है और ये प्रतिज्ञा लेता है कि हम अपने बहन की हर समय रक्षा करेंगे, और बहन जो है अपने भाई के कला पर वो रक्षा बांध करके वो भगवान से विनती करती है कि हमारे भाई हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, तरक्की करे, ये इसीलिए रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन के बीच मनाया जाता है। तो चलिए, जैसे कि अभी हमारे आचार्य श्री मिथिलेश पांडे जी थे तो उनसे बातचीत करने के लिए शुभ मुहूर्त के लेके हमने बताया कि किस तरह से बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधे, किस मुहूर्त में बांधे, भद्रा काल कभी राहु काले, सारे आपको हमने दर्शकों को बताया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ।